I've been hooked on you. All of the things you said to me, it seems like you like me too. We can take it slow, make sure. दोस्तों अभी 8 बजे है एंड यू डोंट बिलीव दैट ये 8 बजे का नज़ारा इस तरीके का है। यहाँ पे सब अंधेरा हो चुका है लेकिन यहाँ पे अभी भी अंधेरा नहीं हुआ है। 8 बजे है तो भी ये देखो आप नजारा देखो और ये लेक। गुड मॉर्निंग एवरी वन एंड वेलकम टू माई चैनल। सो आज हमारा लाइकली अबाउट 6th डे है फॉर आवर लद्दाख ट्रिप और ये 6 दिन की लद्दाख ट्रिप की जो शुरुआत है वो ब्रेकफास्ट से की जाएगी और ये ब्रेकफास्ट आज हमें कुछ नया ब्रेकफास्ट मिला है तो दिखाता हूँ क्या है। आज हमारे पास है भाजी पूरी और हमारे पास है पोहा और हमारी मोस्ट फेवरेट रतलाम में सेव और जय में वाले का और बस खाएंगे और फिर आज की जो मुसाफरी है वो शुरू करेंगे। क्या बोलते हो, चांगला पास के लिए रेडी हो, बर्फबारी के लिए रेडी हो? आज तो बर्फबारी होगी, क्या बोलते हो? एक दिन तो यार बर्फबारी करनी पड़ेगी ना यार, अभी और गौरव को टारगेट किया जाएगा। गौरव आर यू रेडी? गौरव आर यू रेडी? तो दोस्तों अभी टाइम हो चुका है आप लोगों को रूम टूर देने का। तो ये था हमारा रूम पेंगोंग एरिया के अंदर। ये जो आप देख रहे हो वो थोड़ा सिटिंग एरिया टाइप ऑफ था और यहाँ पे बहुत ही अच्छी बेडशीट तो इतनी सारी दी थी क्योंकि ये 15,000 फीट के ऊपर है और यहाँ पे बहुत ठंडी लगती है। तो आपको ऑप्शन भी मिलते हैं, आपको मतलब आप टेंट टाइप इस तरीके से भी ले सकते हो और आप यू नो कॉटेज जो टाइप होता है वो भी ले सकते हो। यहाँ पे वॉशरूम और जो है वो सब भी अटैच्ड वॉशरूम रहता है और अटैच वॉशरूम का जो फैसिलिटी है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। और ये है अपना सुहाना पेंगोंग लेक जिसके एग्जैक्ट सामने और थोड़ा ऊंचाई पे आप रहते हो तो आपको लेक का जो नज़ारा है वो बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है। और अब हम जाएंगे कॉटेज की ओर। तो अभी आपको मैं जो दूसरा जो कॉटेज वाला रूम है वो दिखा रहा हूँ और उस रूम के अंदर अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे भी बैठने की और टेबल की जो फैसिलिटी है वही है। यहाँ पे एलिवेटेड बेड जो है वो भी आपको मिलता है, एक्स्ट्रा कंबल भी मिल जाते हैं और यहाँ पे अटैच्ड जो टॉयलेट है वो भी मिल जाता है। लेकिन कंपेयर टू जो टेंट होता है उसकी कंपेयर में ये जो है वो थोड़ा ज़्यादा स्पेशियस और ज़्यादा मतलब इलेक्ट्रिक का जो कनेक्शन है वो भी होता है और अच्छी तरीके से आप रह सकते हो। तो अगर आपको थोड़ा मतलब थोड़ी सहूलियत अगर आपको थोड़ी ज़्यादा चाहिए तो आप इस रूम के लिए भी जा सकते हो। और अगर आपको यहाँ पे कोई भी रूम बुक करना है आपको मैं नीचे कॉन्टैक्ट जो है वो आपको दिखा रहा हूँ, आप वहाँ पे कॉल करके आप जो बुकिंग है वो कर सकते हैं। सो गुड मॉर्निंग एवरी वन एंड अभी हम पेंगोंग लेक से निकल चुके हैं। अराउंड अराउंड 15-20 मिनट हो गई है निकले हुए और आज का जो सफ़र है वो थोड़ा लंबा रहने वाला है। अराउंड अराउंड 4-5 आवर्स मिनिमम लगनेंगे क्योंकि आज हम जाने वाले हैं चांगला पास होके हुए ले तरफ जाएंगे। लेकिन जो चांगला पास है वो बहुत मज़ेदार डेस्टिनेशन है, जैसे हमने खारदुंगला देखा था वैसे ये चांगला है। सो ला का मतलब पास, तो उस तरीके से चांगला पास जो है वो हम देखेंगे और उसका जो नज़रिया है वो हम बताएंगे। लेकिन तब तक आप जो रोड के जो शॉट्स है वो आप देखो और कितना ब्यूटीफुल व्यू है लद्दाख का वो आप देखो।
अभी हम डुरबुक पहुंच चुके हैं और आप देख रहे होंगे डुरबुक 0 किलोमीटर और अभी हम ले जाने वाले 110 किलोमीटर और उसके लिए हमें चांगला पास को क्रॉस करना पड़ेगा। सो अभी जो एक्साइटिंग जर्नी है वो शुरू होने वाली है। सो लेट्स जस्ट गो। ये जो चौराहा है वहाँ पे हम पहुँचे हैं, ये डुरबुक है। अभी डुरबुक से हम उस साइड जाएंगे, जिस साइड जिनेश आ रहा है उस साइड जाएंगे और वहाँ पे हमें चांगला पास जो है वो मिलने का ऊपर। सो जैसे कि आप देख रहे हो हम 16,121 फीट पे अभी है और यहाँ पे आप पूरी जो नदी है पूरी नदी आइस की बनी हुई है और यहाँ पे ऊपर से भी आइस मेल्ट हो कर आ रहा है और यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि पूरी जो नदी है वो पूरी आइस आइस वाली जो है वो तैयार हो चुकी है। अभी हम आ चुके हैं चांगला पास पे और ये चांगला पास जो है वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट पास है और वो जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया हुआ है। इसका जो एल्टीट्यूड है वो 17,688 है। अभी यहाँ पे थोड़ी फोटोग्राफी करेंगे और फिर बाकी का देखेंगे कि क्या है क्या नहीं। अभी देखते हैं ये क्या है यहाँ पे, पर ये जो फ्लैग्स है वो बहुत ही कलरफुल लग रहे हैं और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। अभी हम चांगला बाबा सर जो है वहाँ पे आ चुके हैं। तो दोस्तों अभी मैं आपको अमेजिंग स्टोरी बता रहा हूँ चांगला पास के बारे में। चांगला पास का मतलब क्या होता है? ओके, चांगला पास का मतलब है चांग मतलब कि साउथ या सदर्न और पास ला मतलब कि पास। तो चांगला पास मतलब कि सदर्न पास, साउथ जाने के लिए जो पास है उसको चांगला बोला जाता है और उसी के नाम से यहाँ पे चांगला देवस्थल है जहाँ पे हम जा रहे हैं और आप उसका जो व्यू है वो भी आप देख सकते हो। यहाँ पे चांगला बाबा का जो स्थल है वो लिखा हुआ है और मस्त भक्तिमय गाने जो बज रहे हैं और जो पॉजिटिव फील जो है वो आ रहा है और यहाँ पे आप जो उसके जो व्यूज़ है वो देख सकते हो। ये जो पास है वो कुछ 15 किलोमीटर लंबा पास है और इस पास का जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि ये सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल पास है इन द होल वर्ल्ड। सो ये अपने आप में ही कुछ खास है। पर दोस्तों मैं इससे भी ज़्यादा एक चीज़ बता रहा हूँ कि आप जब इस रोड पे चलोगे तो आप प्लीज़ यू नो ऐसा मत सोचना कि मेरे को ये डेस्टिनेशन पे जाना है। आप ऐसा सोचना कि इस सफ़र को मुझे एंजॉय करना है, क्योंकि जो आप मोनेस्ट्री देख सकते हो वो 200 साल पुरानी जो मोनेस्ट्री है वो है।
अच्छी तरीके से अभी बंद है इसलिए हम जा नहीं सकते, लेकिन आप अच्छी तरीके से इसको देख सकते हो।